नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज आप सभी के स्टडी सेंटर से रिलेटेड अपडेट है। जैसे कि मैंने कल बताया था आप सभी के चैनल टेस्ट्यूब पे, छत्तीसगढ़ की स्टडी सेंटर आ चुकी है। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के सब्सक्राइबर्स हैं या छत्तीसगढ़ के जितने भी टीचर्स हैं डीएलएड के, वो जा सकते हैं अपने वेबसाइट पे scertcg.gov.in। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अपने वेबसाइट पे जाना है। आपके वेबसाइट पे जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी सेंटर्स की लिस्ट अपलोड हो रही है। अभी फ़िलहाल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट अपलोड हो चुकी है और वेबसाइट पे आपके लिखा गया है अन्य ज़िलों की सूची लगातार शीघ्र प्रदर्शित होगी, कृपया हर घंटे में वेबसाइट को खोलते रहें। यानी अभी पूरे ज़िलों की सूची नहीं अपलोड हुई है, तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी हमारे डीएलएड के टीचर्स हैं वो जा सकते हैं। उनके कुछ ज़िलों की सूची अपलोड हो चुकी है। अगर वो उनके ज़िलों की सूची अपलोड हो चुकी है तो जाके आप अपने नाम देख सकते हैं। आप सभी को अपने स्टडी सेंटर पर जाने से पहले एक फॉर्म भरना है, शिक्षक सत्यापन पत्र। इसकी लास्ट डेट 26 तारीख तक है, तो आप जाएं शीघ्र इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में हमने अपने पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता दिया है। इसमें आपको जाना है, फॉर्म में आपको अपना नाम, एड्रेस, इनरोलमेंट नंबर, पिता का नाम, पति का नाम सब कुछ भरना है। और उसके बाद आपको अपने 12th के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। 11th और 12th की जो मार्कशीट है उसे अटैच करनी है आपको। इसमें अटैच करने के बाद आप सभी को इस फॉर्म को अपने ब्लॉक में जमा करवाना है, जहाँ पे आपका स्टडी सेंटर है। आपको उस ब्लॉक में इस फॉर्म को ले जाके जमा करवाना है। उसके बाद आपकी एडमिशन कन्फर्म हो जाएगी स्टडी सेंटर में, यानी आपका इनरोलमेंट फाइनल हो जाएगा। तो आप जाएं अपने किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, आपका ज़िला बलरामपुर में है, आपको बलरामपुर पे क्लिक करना है। आपकी पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है और आप इसमें अपने नाम को देख सकते हैं। नाम को देखने के बाद आप जा सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। आप जिन स्टडी सेंटर्स, फॉर एग्जांपल आपका स्टडी सेंटर है पहला वाला, तो आप मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं यहाँ का हूँ, क्योंकि जो स्टडी सेंटर है वो भी आपके आसपास के ही लोग होंगे। तो आप बता सकते हैं कि मेरा स्टडी सेंटर यहाँ है। कुछ ईमेल्स भी हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। तो आप जाके अपने अपडेट्स देख सकते हैं। बाकी अन्य राज्यों की भी सूची फ़िलहाल अपलोड अभी तक नहीं हुई है। जैसे जैसे न्यूज़ आएगी वैसे वैसे हम आपको बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिलहाल छत्तीसगढ़ के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के स्टडी सेंटर्स की लिस्ट आ चुकी है और धीरे धीरे अन्य अपडेट जो है वो अपलोड होंगी उनकी वेबसाइट पे। बाकी जो राज्य हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऑल ओवर इंडिया के जो राज्य हैं उनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं, जानकारी उनकी भी आएगी वेबसाइट के ऊपर। तो जहाँ पे भी जानकारी आएगी हम आपके चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप लिंक में, वीडियोस पे, चाहे हमारे फेसबुक के पेज पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।